आपका अपने चैनल सरकारी रोजगार डायरी में बहुत बहुत स्वागत है। आपका ये चैनल इंडिया के हर क्षेत्र की सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स लेके आता है। मेरा नाम हर्ष है दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ जुलाई पहले सप्ताह की 22 बड़ी भर्तियों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन व अपडेट्स आपको आगे भी लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ जुलाई फर्स्ट वीक यानी कि जुलाई पहले सप्ताह की 22 बड़ी भर्तियों के बारे में। इन भर्तियों के लिए दोस्तों मेल तथा फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास या ग्रेजुएट हैं या आपके पास और भी अन्य कोई क्वालिफिकेशन है तो दोस्तों इन सभी भर्तियों के लिए आप अपनी योग्यता के अनुसार ही अप्लाई कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा जानकारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों इन सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन के लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रखे हैं, आप लिंक वहाँ से ओपन कर सकते हैं। और आइए बात कर लेते हैं इन भर्तियों की फर्दर इन्फॉर्मेशन के बारे में। दोस्तों पहली भर्ती है आयल इंडिया लिमिटेड की और इसमें पोस्ट के नाम है जूनियर असिस्टेंट कलर कम कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर असिस्टेंट हिंदी टाइपिस्ट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, सीनियर असिस्टेंट स्टेनोटाइपिस्ट तथा ट्रांसलेटर। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की 12वीं पास या ग्रेजुएशन, 18 साल से 30 साल दोस्तों इसमें एज लिमिट है। इसमें वेरियस वैकेंसी है। जहाँ तक सैलरी की बात है तो आपका पे स्केल 13,000 से लेकर 34,000 तक होगा और ₹200 दोस्तों आपने इस भर्ती के लिए फीस पे करनी है। 1 जुलाई 2020 इसकी लास्ट डेट है। जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इसमें CBT स्किल टेस्ट तथा प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। और इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसका लोकेशन नोएडा यानी कि उत्तर प्रदेश है। भर्ती नंबर 2 है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की और इसमें पोस्ट के नाम है लैब टेक्नीशियन तथा असिस्टेंट रेडियोग्राफर। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की 12वीं पास तथा डिप्लोमा, 18 साल से 40 साल दोस्तों इसमें एज लिमिट है। 2177 इसमें वैकेंसी है। सैलरी आपको लेवल 8 की मिलेगी। ₹250 से लेकर ₹450 तक इसमें फीस है। 2 जुलाई 2020 इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसका लोकेशन राजस्थान है। दोस्तों भर्ती नंबर 3 है सेक्रेटेरियल सर्विस रिक्रूटमेंट की और इसमें पोस्ट का नाम है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की ग्रेजुएशन, 21 साल से 32 साल दोस्तों इसमें एज लिमिट है। 21 इसमें वैकेंसी है। सैलरी आपको 35,400 से लेके 112,400 मिलेगी। ₹100 दोस्तों इसमें फीस है और इसकी लास्ट डेट 4 जुलाई 2020 है। जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इसमें रिटन टेस्ट तथा स्किल टेस्ट होगा। ऑनलाइन दोस्तों आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसका लोकेशन ईटानगर यानी कि अरुणाचल प्रदेश है। दोस्तों भर्ती नंबर 4 है शिक्षा विभाग की और इसमें पोस्ट का नाम है स्कूल लेक्चरर, वेरियस सब्जेक्ट की वैकेंसी दोस्तों। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की पोस्ट ग्रेजुएशन और शास्त्री की डिग्री होनी चाहिए इसके साथ या बीएड की डिग्री होनी चाहिए। 21 साल से 40 साल दोस्तों एज लिमिट है। इसमें वेरियस वैकेंसी है। सैलरी आपको लेवल 12 की मिलेगी। ₹150 से लेकर ₹350 इसमें फीस है दोस्तों। 7 जुलाई 2020 इसकी लास्ट डेट है और इसमें ऑफलाइन या ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा दोस्तों। इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसका लोकेशन राजस्थान है। दोस्तों भर्ती नंबर 5 है PSC की यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन की और इसमें पोस्ट का नाम है जूनियर इंजीनियर। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की डिप्लोमा या डिग्री सिविल या एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में दोस्तों। 18 साल से 32 साल इसमें एज लिमिट है। 63 इसमें वैकेंसी है दोस्तों। सैलरी आपका पे स्केल होगा 9,300 से लेकर 34,800 प्लस आपको GP 4,200 मिलेगा दोस्तों। इस भर्ती के लिए ₹100 से ₹160 तक फीस है। 3 जुलाई 2020 इसकी लास्ट डेट है। सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों एग्जामिनेशन होगा। इस भर्ती के लिए आपको दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसका लोकेशन ईटानगर यानी कि अरुणाचल प्रदेश है। दोस्तों भर्ती नंबर 6 है सिविल सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2020। पोस्ट के नाम है तहसीलदार, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड ट्रेनिंग ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ऑफिसर। इसके अलावा और भी वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की बैचलर्स डिग्री, 21 साल से 37 साल इसमें एज लिमिट है दोस्तों। 77 इसमें वैकेंसी है। सैलरी आपको एज पर रूल दी जाएगी। ₹500 से लेकर 3,000 तक इसमें फीस है। 7 जुलाई 2020 इसकी लास्ट डेट है। इसमें एग्जाम होगा दोस्तों। इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। इसका लोकेशन पंजाब है। दोस्तों भर्ती नंबर 7 है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की और इसमें पोस्ट का नाम है लेक्चरर। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की ग्रेजुएट डिग्री इन आयुर्वेदा और PG होनी चाहिए साथ में। 21 साल से 40 साल दोस्तों एज लिमिट है। 39 इसमें वैकेंसी है दोस्तों। सैलरी आपको 44,900 मिलेगी। ₹500 दोस्तों इस भर्ती के लिए फीस है। 7 जुलाई 2020 इसकी लास्ट डेट है। जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इसमें करियर मार्किंग तथा रिटर्न एग्जाम होगा दोस्तों। और इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसका लोकेशन कटक यानी कि उड़ीसा है। दोस्तों भर्ती नंबर 8 है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च की। पोस्ट के नाम है प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 एंड 2। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की
ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तथा डिप्लोमा 35 साल तथा 50 साल इसमें एज लिमिट है, 32 इसमें वैकेंसी है दोस्तों। सैलरी आपको 20,000 से लेके 31,000 मिलेगी। इसमें आपको कोई फीस जमा नहीं करानी, इसकी लास्ट डेट 1 जुलाई 2020 है। इसमें इंटरव्यू होगा दोस्तों और इसके लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। इसका लोकेशन झारखंड है दोस्तों। भर्ती नंबर 9 है एक्साइज डिपार्टमेंट की। पोस्ट का नाम है एक्साइज कांस्टेबल तथा असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की 10वीं पास या 12वीं पास। 18 साल से 38 साल दोस्तों इसमें एज लिमिट है। 203 इसमें वैकेंसी है। सैलरी आपको एज पर रूल दी जाएगी। इस भर्ती के लिए आपको कोई फीस जमा नहीं करानी। 6 जुलाई 2020 इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात आए तो इसमें टेस्ट तथा रिटर्न एग्जाम होगा। इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है दोस्तों। इसका लोकेशन आसम है दोस्तों। भर्ती नंबर 10 है गृह रक्षा विभाग की और इसमें पोस्ट का नाम है होमगार्ड। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की आरटी पास। 18 साल से 35 साल दोस्तों इसमें एज लिमिट है। 2500 इसमें वैकेंसी है। सैलरी आपको इस पर नोटिफिकेशन दी जाएगी। 175 रुपये से लेकर 200 रुपये तक इसमें फीस है दोस्तों। 7 जुलाई 2020 इसकी लास्ट डेट है। इसमें टेस्ट होगा दोस्तों। इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। इसका लोकेशन राजस्थान है दोस्तों। भर्ती नंबर 11 है लाइवलीहुड्स मिशन की है दोस्तों और इसमें पोस्ट के नाम है प्रोजेक्ट असिस्टेंट, ब्लॉक लाइवलीहुड कोऑर्डिनेटर। इसके अलावा और भी वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तथा डिप्लोमा। 37 साल दोस्तों इसमें एज लिमिट है। 817 इसमें वैकेंसी है दोस्तों। सैलरी आपको 10,000 से लेकर 70,000 मिलेगी। इस भर्ती के लिए आपको कोई फीस जमा नहीं करानी दोस्तों। इसकी लास्ट डेट 7 जुलाई 2020 है। सिलेक्शन प्रोसेस के तौर पर इस पर CBT तथा इंटरव्यू होगा दोस्तों। इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसका लोकेशन उड़ीसा है दोस्तों। भर्ती नंबर 12 है NTPC की और इसमें पोस्ट का नाम है इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की इंजीनियरिंग डिग्री। 27 साल दोस्तों इसमें एज लिमिट है। 100 इसमें वैकेंसी है। जहाँ तक सैलरी की बात है तो आपका पे स्केल 50,000 से लेकर 1,60,000 तक होगा। 150 रुपये दोस्तों इसमें फीस है। 6 जुलाई 2020 इसकी लास्ट डेट है। जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो गेट 2020 इसको GD तथा इंटरव्यू होगा दोस्तों इसमें। और ऑनलाइन दोस्तों आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसका लोकेशन ऑल इंडिया है दोस्तों। भर्ती नंबर 13 है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की और इसमें पोस्ट के नाम है जोनल कोऑर्डिनेटर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, एग्रो साइंटिस्ट तथा अदर्स की वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तथा LLB। एज लिमिट 40 साल 45 साल तथा 50 साल रखी गई है इस भर्ती के लिए। 31 इसमें वैकेंसी है दोस्तों। सैलरी आपको 12,000 से लेकर 50,000 मिलेगी। इस भर्ती के लिए आपको कोई फीस जमा नहीं करानी। 6 जुलाई 2020 इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। और दोस्तों इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के तौर पर वॉक इन इंटरव्यू होगा 8 जुलाई 2020 से लेकर 9 जुलाई 2020 तक। इस भर्ती के लिए आपको ईमेल से अप्लाई करना है दोस्तों। इसका लोकेशन मध्य प्रदेश है दोस्तों। भर्ती नंबर 14 है हाई कोर्ट की और इसमें पोस्ट का नाम है डिस्ट्रिक्ट जज। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की बैचलर ऑफ लॉ। एज लिमिट 35 साल से लेकर 45 साल रखी गई है दोस्तों। 17 इसमें वैकेंसी है। सैलरी आपको मिलेगी, आपका पे स्केल 51,550 से लेकर 63,070 तक होगा। 500 रुपये दोस्तों इस भर्ती में आपको फीस जमा करानी है। 6 जुलाई 2020 इसकी लास्ट डेट है। इसमें रिटर्न टेस्ट तथा इंटरव्यू होगा दोस्तों। इस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। इसका लोकेशन उड़ीसा है दोस्तों। भर्ती नंबर 13 है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। इसमें दोस्तों नेशनल डिफेंस एकेडमी तथा नेवल एकेडमी ND2 का एग्जाम होने जा रहा है 2020 का। क्वालिफिकेशन 12वीं पास होनी चाहिए कैंडिडेट की। और जहाँ तक एज लिमिट की बात है तो 2 जनवरी 2002 से पहले कैंडिडेट का जन्म नहीं होना चाहिए। 1 जनवरी 2005 के बाद कैंडिडेट का जन्म नहीं होना चाहिए दोस्तों। 413 इसमें वैकेंसी है। सैलरी आपको इस पर रूल दी जाएगी। 100 रुपये इसमें फीस है दोस्तों। 6 जुलाई 2020 इसकी लास्ट डेट है। इसमें रिटर्न टेस्ट, SSB टेस्ट तथा इंटरव्यू होगा। इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है दोस्तों। इसका लोकेशन ऑल इंडिया है दोस्तों। भर्ती नंबर 16 है डायरेक्टोरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर की। इसमें पोस्ट के नाम है असिस्टेंट फार्म मैनेजर तथा फार्म मैनेजर। और इसके अलावा और भी वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री। 18 साल से 45 साल इसमें एज लिमिट है दोस्तों। 59 इसमें वैकेंसी है। सैलरी होगी आपकी 30,000 से लेकर 50,000। इस भर्ती के लिए आपको कोई फीस जमा नहीं करानी। 4 जुलाई 2020 इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। इसमें एग्जाम तथा इंटरव्यू होगा। ऑफलाइन आपने इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है। इसका लोकेशन हिमाचल प्रदेश है दोस्तों। भर्ती नंबर 17 है कांडला पोर्ट की और इसमें अप्रेंटिस की भर्ती होने जा रही है ट्रेड डिप्लोमा डिग्री तथा सेक्रेटरियल असिस्टेंट की। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की RTI डिप्लोमा तथा बैचलर डिग्री। 28 ईयर्स दोस्तों इसमें एज लिमिट है। 194 इसमें वैकेंसी है। सैलरी आपको इस पर रूल दी जाएगी। इस भर्ती के लिए आपको कोई फीस जमा नहीं करानी। 7 जुलाई 2020 इसकी लास्ट डेट है। जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो मेरिट बेसिस पे तथा इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसका लोकेशन गुजरात है
दोस्तों भर्ती नंबर 18 है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की और इसमें पोस्ट का नाम है जूनियर इंजीनियर। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की डिप्लोमा या डिग्री, 18 साल से 40 साल इसमें एज लिमिट है दोस्तों, 1054 इसमें वैकेंसी है। सैलरी आपको पे मैट्रिक्स 10 की मिलेगी, 250 रुपये से लेकर 450 रुपये इसमें फीस है। 7 जुलाई 2020 इसकी लास्ट डेट है। इसमें रिटर्न एग्जाम होगा दोस्तों। इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। इसका लोकेशन राजस्थान है दोस्तों। भर्ती नंबर 19 है KAP लिमिटेड की और इसमें पोस्ट के नाम है प्रोफेशनल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव तथा एरिया मैनेजर। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की ग्रेजुएशन इन साइंस, 28 साल तथा 35 साल इसमें एज लिमिट है दोस्तों, 47 इसमें वैकेंसी है। सैलरी मिलेगी आपको 25,000 से लेकर 42,000। इस भर्ती के लिए आपको कोई फीस जमा नहीं करानी। 3 जुलाई 2020 इसकी लास्ट डेट है। इसमें इंटरव्यू होगा दोस्तों। इस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। इसका लोकेशन ऑल इंडिया है दोस्तों। भर्ती नंबर 20 है फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की। इसमें पोस्ट का नाम है असिस्टेंट कोच। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। एज लिमिट 7 साल से कम होनी चाहिए दोस्तों। 16 इसमें वैकेंसी है। सैलरी आपको 75,000 रुपये मिलेगी एज पर साई गाइडलाइंस। इस भर्ती के लिए आपको कोई फीस जमा नहीं करानी। 5 जुलाई 2020 इसकी लास्ट डेट है। इसमें टेस्ट तथा इंटरव्यू होगा। इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। इसका लोकेशन न्यू दिल्ली, ऑल इंडिया है दोस्तों। दोस्तों भर्ती नंबर 21 है निमहेंस की और इसमें पोस्ट के नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेटर, IT मेंटेनेंस ऑफिसर और इसके अलावा और भी वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। एज लिमिट 30 साल, 32 साल तथा 45 साल रखी गई है। इसमें 34 वैकेंसी है दोस्तों। सैलरी आपको 30,000 से लेकर 1,20,000 तक मिलेगी। इस भर्ती के लिए आपको कोई फीस जमा नहीं करानी। 7 जुलाई 2020 इसकी लास्ट डेट है। इसमें टेस्ट या इंटरव्यू होगा। इस भर्ती के लिए आपको ईमेल से अप्लाई करना है दोस्तों। इसका लोकेशन बेंगलुरु है दोस्तों। भर्ती नंबर 22 है GSPL की और इसमें पोस्ट के नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर और इसके अलावा और भी वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। जहाँ तक एज लिमिट की बात है तो इसमें 25 साल, 27 साल तथा 45 साल तक की एज लिमिट है। 23 इसमें वैकेंसी है दोस्तों। सैलरी आपको इस पर रूल दी जाएगी। 3 जुलाई 2020 इसकी लास्ट डेट है। इसमें टेस्ट या इंटरव्यू होगा। इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसका लोकेशन गुजरात है। तो दोस्तों ये था सॉर्ट डिटेल इन 22 भर्तियों का। और इनकेस आप इन भर्तियों में से किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके जनरल कंडीशन तथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद और समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। और ये अनिवार्य भी है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनकेस आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको आगे भी लगातार मिलती रहे। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू वेरी मच।